तो तुम्हारे अबू अपने अंजाम को पहुंच ही गए। मेरे अबू के बारे में बात करने का तुम्हें कोई हक नहीं है। हक तो तुम्हें भी नहीं था, ये सब कुछ करने का सिवा। अगर धोखेबाज लोगों की आदत ही ऐसी होती, अगर तुम इन बातों से बाज नहीं आए तो मैं तो क्या सवाद को बता दूंगी कि तुमने मुझसे शादी का वादा किया और फिर मुझे छोड़ दिया और उससे शादी कर ली। चल बता दो। मैं फवाद को कोई दुख नहीं देना चाहती, मुझे उसकी मोहब्बत पर भरोसा है। दुख तो मैं भी नहीं देना चाहता उसको, इसीलिए चुप हूं। मगर ये सोच के डरता हूं कि जिस दिन उसको पता चल गया उसकी क्या हालत हो।